हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार प्यार से बोलिए, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। ये जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ, इस वीडियो के अंदर आपको हवन काफ़ी दूर दूर से जो लोग आए रहते हैं उनके द्वारा हवन किया जा रहा है। देख सकते हैं, एक भैया अपना परिचय भी दिखा रहे हैं, हाथ भी दिखा रहे हैं। और आज 23 जनवरी 2020 का दिन है, 8 बज रहा है। और हवन का जो समय है सुबह 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे से 11 बजे का समय रहता है, और शाम के टाइम भी 7 बजे से 11 बजे का समय रहता है। तो लोग उसी बीच में हवन संपन्न करते हैं। और अभी क्या है, बाबा का बर्थडे भी 30 जनवरी को बाबा का बर्थडे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दरबार में ही आके हवन की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं, ताकि उनकी सात हवन और एक अमावस्या और साथ में बाबा का बर्थडे भी अटेन हो जाए। तो लोग उसी के हिसाब से हवन की प्रक्रिया लोग किए जा रहे हैं। मैं आपको पूरा गोल गोल दिखाती हूँ। काफ़ी दूर दूर तक भीड़ लगी हुई है, जहाँ पे भी जिसको जगह मिल रही है वहाँ पे लोग बैठ जा रहे हैं। और आपको तीन त्रिशूल भी दिखाऊंगी। तीन त्रिशूल माता जी के मंदिर के सामने लगा है, आप ये देख सकते हो। ये पहला त्रिशूल है, और ये दूसरा त्रिशूल जो वो भैया पकड़े हैं, और वो उसके साइड में तीसरा त्रिशूल है। अगर आप कहीं दूर से दरबार में आ रहे हो, ठीक है, अगर आप कहीं दूर से दरबार में आ रहे हो, आप बहुत पीड़ित हो, बहुत परेशान हो, तो दरबार में रह के आप दरबार में आके अपनी सारी तकलीफ माता जी के मंदिर के सामने ये जो त्रिशूल लगे हुए हैं, जैसे ये पकड़े हैं भैया लोग, इस तरह आपको त्रिशूल पकड़ के आपकी सारी तकलीफ कहनी है। जैसे आप अपनी सारी तकलीफ माता को कह देते हो, उसी दिन से आपको उसका रास्ता, उसका सॉल्यूशन आपको मिलने लगता है, और आप धीरे धीरे ठीक होने लगते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो पहली पहली बार आया है वो माता से अपनी तकलीफ कह रहे हैं, और आप देख सकते हो कुछ लोग हाथ भी दिखा रहे हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे हवन कर रहे हैं, इसके पीछे भी काफ़ी भीड़ है, ठीक है। तो अंदर हवन के बीच में नहीं जा सकती, इसीलिए जितना हो रहा है मेरे से, मैं दूर से ही आपको वीडियो बना के इसका दिखा रही हूँ। अब देख सकते हो आगे तक भी काफी भीड़ लगी हुई है। हवन करते समय काफी लोगों को पेशी भी आ जाती है, अगर आपको समस्या बहुत ज्यादा है तो आपको पेशी भी आ जाएगी। देखिए, ये भी भैया कर रहे हैं। और इसमें ऐसा भी है, जरूरी नहीं है कि पूरे परिवार के सदस्य को यहाँ पे आना पड़ेगा। परिवार के पूरे सदस्य में से कोई एक भी बंदा अगर आके ये हवन की प्रक्रिया अपनाता है, ठीक है, तो वो पूरी ब्लड लाइन को ठीक करता है, और आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हो। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मतलब पूरे खानदान में अगर आपके ब्लड लाइन में, अगर मान लीजिए 200 लोग हैं, तो वो 200 में से कोई अगर एक भी आता है और हवन की प्रक्रिया शुरू करता है, तो आप उसका लाभ आपको पूर्ण तरीके से मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि 200 हैं तो 200 लोगों को आना पड़ेगा और उनको हवन करना पड़ेगा। ये दरबार में ब्लड लाइन का खेल है। यहाँ पे जो भी चिकित्सा आपको, जो भी चिकित्सा आपको मिल रही है, ठीक हो रहे हो, तो सारा ब्लड लाइन पे ही है। ये माता जी का मंदिर आप देख सकते हो, यहाँ पे लोगों को पेशी भी आ जाती है। तो ये जो बहन बैठी है, इनको तो आ गई है पेशी। माता जी का मंदिर है, माता जी को भी आप देख लीजिए और आपकी समस्या कह दीजिए। चलो, तो मैं अब आपको थोड़ा सा अंदर लेके चलती हूँ, माता जी के जो लोग हवन कर रहे हैं उनके बीच में लेके चलती हूँ, और लोगों को दिखाती हूँ कि लोग यहाँ पे क्या है कि सब लोगों का हवन स्टार्ट हो चुका है। नहीं तो मैं आपको दिखाती कि लोग
हवन में क्या क्या सामग्रियाँ रहती है, मैंने एक वीडियो बना के डाला भी हुआ है जिसके अंदर हवन किट के अंदर क्या क्या सामग्री रहती है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में इसके यूट्यूब चैनल जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, तो आप देख सकते हो। और अभी आप देख सकते हो ये सारे लोगों को जो काफ़ी दूर दूर से आके कर रहे हैं, देखो अगर हवन करने के लिए परिवार के साथ में आ रहे हैं, मान लीजिए कि आपके परिवार में 5-6 लोग भी आ रहे हैं, तो हवन करते समय आप पूरी फैमिली वाले, आप जो एक ब्लड लाइन के जो लोग हैं वो सारे लोग बैठ के हवन की प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं। Thank you.